हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत की तरह ही होता है। हरतालिका तीज व्रत पूजन सामग्री सुहाग का पिटारा तैयार करने के लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल। हरतालिका तीज सुबह से बिना कुछ खाए व पिए दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तभी से हर वर्ष यह हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने जंगल में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत में शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्मृति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।